शुभ संध्या। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शनिवार को संविधान बचाओ मंच के बैनर तले बाराहट के भेड़ा मोड़ मैदान में विशाल रैली एवं जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे वक्ताओं को सुनने बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों को संबोधित करते हुए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून एक काला कानून है और यह देश के नागरिकों को समानता के विरोधी है। सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। इस देश में रहने वाले किसी भी लोग के साथ सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी सुरक्षा को लेकर तैनात रहे और हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रहे। इनके बाद जाप की नेता पप्पू यादव ने भी प्रधानमंत्री पर तंज कसने में थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ा। MM न्यूज़ टीम बांका। बिहार को बांटने वाला, देश को बांटने वाला सीएनआर सीएनपीआर नहीं चलेगा। इसीलिए हम सरकार से अपील करेंगे कि बिहार विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास हो, जैसे दूसरे राज्यों में हुआ है, जैसे केरल में पास हुआ है। बिहार सरकार यहाँ की असेंबली में भी ये रेजोल्यूशन पास करे। बिहार जो हिंदू मुस्लिमता का राज्य रहा है, जो गंगा जल तहजीब का राज्य रहा है, यहाँ धर्म के नाम पे कोई बर्बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलिए, आप इस मांग के साथ हैं कि नहीं है? आप अगर सब लोग इस मांग के साथ हैं तो मैं भी आपसे एक वादा करना चाहता हूँ और मैंने आपको बता दिया है। मैदान में जुटिए और पटना के गांधी मैदान में हम लोग बिहार की सरकार से ये अपील करेंगे कि ये बिहार की धरती महात्मा बुद्ध की भी धरती है, महावीर की भी धरती है, ना यहाँ पे एक जैन मंदिर बांका में। ये बुद्ध की भी धरती है, महावीर की भी धरती है और सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह की भी धरती है। ये धरती 1857 की क्रांति में शहादत देने वाले वीर अली की भी धरती है और महान योद्धा वीर कुंवर सिंह की भी धरती है। ये धरती जेपी की भी धरती है, जगदेव बाबू की भी धरती है, नक्षत्र माला नाथ की भी धरती है, जुब्बा सहनी की भी धरती है। तो ये धरती दिनकर की भी धरती है। सहजानंद सरस्वती Thank you.
इजरायली है और इसराइल के कहने पर मेरे देश का बंटवारा और हमारे नफरत का है। ये शरणार्थी है, पहले अपना सर्टिफिकेट बताए कौन है ये मुसलमान, कहां से है, नीचे से या ऊपर से। 1300 साल पहले इतिहास में मुसलमान होगा, इस्लाम की विचारधारा क्या बनी, उसके 600 साल पहले बौद्ध थे और बौद्ध के पहले हम थे। हम एक इंसान, एक सनातनी है, वो सेपियन से सेपियन में आए। हमने कौशल कहा, अरे घोड़ी के लिट्टी से घोड़ी